सातवें एवं अंतिम चरण में 19 मई को लोकसभा की गोरखपुर सदर सीट पर होने वाले चुनाव के लिए नामांकन के तीसरे दिन गुरुवार को भारतीय शक्ति चेतना पार्टी के प्रत्याशी राज बहादुर शाही अपने समर्थकों के साथ कलेक्ट्रेट परिसर में बनाए गए नामांकन कक्ष में जिला चुनाव अधिकारी के विजेंद्र पांडेन के समक्ष पहुंचकर पर्चा दाखिल किया। भारतीय शक्ति चेतना पार्टी के प्रत्याशी राज बहादुर शाही ने कहा कि हम समाज के लिए भय भूख भ्रष्टाचार मुक्त भारत नशा मुक्त भारत के लिए निर्माण के लिए हमारी पार्टी प्रतिबद्ध है। गोरखपुरनी से बात करते हुए भारतीय शक्ति चेतना पार्टी के प्रत्याशी राज बहादुर शाही ने कहा, आपने आज नामांकन किया है, किन मुद्दों के साथ आपने जनता के जाते हैं? हमारा मुद्दा है सर, हम समाज के लिए जितना भी बदलाव कर सकें, भय भूख भ्रष्टाचार मुक्त भारत नशा मुक्त भारत का निर्माण करने के लिए हमारी पार्टी प्रतिबद्ध है। जब भी हमारी पार्टी सत्ता में आएगी, नशा मुक्त भारत के लिए हम लोग एकदम तत्पर रहेंगे। नशा मुक्त भारत होगा तो खुशहाल भारत होगा। भाजपा सपा के उम्मीदवार के सामने आप अपने आप को कितना चुनौती मानते हैं? चुनौती सब जनता के हाथ में है, न अखिलेश न माया न मुलायम न मोदी योगी, सत्ता उसके पास होगी जहां जनता की मर्जी होगी। इस लोकसभा में आप अपनी जीत सुनिश्चित मानते हैं? एकदम। कितने वोटों से जीत आपको? जीत कम से कम 1,00,000 वोटों से हम जीत अपना सुनिश्चित मान रहे हैं।